हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट, उसी को हम इस लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम जे के प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देखे थे, तो इसमें भी हम जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो जिसमें हम हाल फिलहाल यानी कि प्रीवियस ईयर का यानी कि 5 ईयर मतलब कि पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी 19, 18, ये भी आपका 13, यानी कि अब हाल फिलहाल का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि इस हम PYQ सीरीज में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए एप्लीकेबल है, चाहे आपको इसमें बहुत टाइप का प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम, और आपका क्या हो जाएगा लास्ट में, मैच द कॉलम। इन सारे प्रॉब्लम को इस पर्टिकुलर सीरीज में, PYQ सीरीज में हम कवर अप किए हैं। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब वही क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब अब हम जो है इस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि ये जो आपका मार्च का ये सेशन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू करने का कोशिश कर रहे हैं कि और जो क्वेश्चन मतलब स्किप किए थे उसको हम इसमें कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सीरीज में मोर देन 3000 प्रॉब्लम विच इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और इसमें हम अब तक क्या क्या देख लिए हैं, तो आपका सारा इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम देख लिए हैं, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट का भी हम देख भी रहे हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं, और बहुत सारे पार्ट होपफुली इसका 10th या 11th पार्ट, जो कि जितना क्वेश्चन इसमें होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें हम कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हम आगे कैरी ऑन कर लेंगे। और रही बात करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर को भी आगे हम करेंगे। फिर आपका इसमें EMI है, मैग्नेटिज्म है, और उधर आपका क्या चल रहा है, उधर मैकेनिक्स पार्ट को हिट हम कर रहे हैं, फुल मैकेनिक्स पार्ट, तो उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। तो उसमें क्या क्या देख लिए हैं, तो उसमें आपका देख लिए हैं SHM, देख लिए हैं ग्रेविटेशन देख लिए हैं, यानी SHM देख लिए, ग्रेविटेशन देख लिए, और उसमें रोटेशन जो कि सबसे ज्यादा टाइम हम खर्च किए हैं, तो वो है आपका रोटेशन। और आपका इसमें एक इम्पल्स एंड मोमेंटम, जिसको इधर ही हम कैरी ऑन किए थे, इम्पल्स एंड मोमेंटम, और इसमें आपके क्या हो जाएगा, और भी इसमें एक दो चैप्टर जो बेसिक है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसको भी हम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से वैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, और आपका क्या है इसमें फ्रिक्शन आ जाएंगे, और एक चैप्टर जो पर्टिकुलर है COM, सेंटर ऑफ मास, और कॉलिजन इसी में आपका आ जाएगा, इम्पल्स एंड मोमेंटम में कॉलिजन। तो कॉलिजन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, तो इलास्टिक कॉलिजन मतलब हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो आप देख लीजिए इंपल्स एंड मोमेंटम, मतलब एक चैप्टर बस स्किप है, इसको भी हम इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। और रही बात अब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट तो आपका चल ही रहा है, और इसमें एक बचेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसका हम होपफुली 10 to 12 लेक्चर उसका हम लिए हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम और भी कवर अप करने का कोशिश करेंगे। और इसमें एक आपका बच गया फ्लूड एंड मैकेनिक्स, जो कि इसमें भी कवर नहीं किए हैं, तो एक COM है और दूसरा फ्लूड मैकेनिक्स। तो इस पर्टिकुलर PYQ सीरीज में हम इस सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये आपका है 11th वाला टॉपिक, जिससे 45% क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जाता है, और 55% प्रॉब्लम विच इज आस्क इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। सो वॉच दिस चैनल, दैट इज IIT
जी अड्डा एंड फ्यूचर एकेडमी एंड ब्लूमिंग माइंड्स करके ये चैनल आपको दिया है, तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आप कर लीजिए। इस पर आपका अगर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली वे में मिल जाएगा, और इस पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि जेईआर पेरेंट होंगे जो 2022 वाला हम सेशन अभी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हम सारे। और रही बात अगर रेफरेंस बुक की, तो एक तो आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है ही, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में उसमें हम डीसी पांडे कवर करेंगे, और ये आपका जो सीरीज चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा डीसी पांडे। उसके बाद एक और बुक है जैसा कि आपको पता है पाथ फाइंडर, जो कि बहुत सारा लड़का कर रहा है, और यूरोडॉग आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, फिर भी जो भी आपका रेफरेंस बुक होगा उसको हम आगे क्या करेंगे रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज जो कि आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसलिए हम लिए हैं क्योंकि आप फिजिक्स में थ्योरी पार्ट तो कवर हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम प्रॉब्लम लेके ही रोज आते हैं, और नया नया टाइप का प्रॉब्लम, यानी कि एक लेक्चर में दूसरे लेक्चर से कोई आपका कॉम्बिनेशन नहीं रहा, यानी हर लेक्चर में आपको नया प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका हो रहा है मतलब कंसेप्ट क्लियर है तभी तो, और एक क्वेश्चन में जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम किए थे सॉलिड और होल स्फीयर, उसमें आप सारा आपका इन पॉइंट पे आउट पॉइंट पे सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा कवर किए थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है होलोस्फेयर के लिए या सॉलिड स्फेयर के लिए आपको निकालना है, तो उसमें हम सारा बात किए थे। तो अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन इसलिए क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी पार्ट सबको आता है कि ये थ्योरी है जैसा कि लूप लॉ है किरचॉफ लॉ है, लेकिन इसको किस टाइप से इंप्लीमेंट करना है एनालिटिकल ग्राफिकल थ्योरेटिकल तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में मिल जाएगा PYQ, और इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम कवर कर चुके हैं, और हर एक दिन आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियाई दैट इज R1 एंड R2 विच इज सोन इन दिस फिगर एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्म वेल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज प्लस R1 और माइनस R1, यानी कि सारा का डेंसिटी अब इसको यानी इसका पॉजिटिव है और दूसरा का आपका क्या दे दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ, तो रिस्पेक्टिवली आर प्लेस सच दैट दे partially overlap at all the point in the overlapping। तो आपको दोनों का फिगर भी दिया हुआ है और चार इसके ऑप्शन भी हम देखते हैं। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 जो कि आपको दिख रहा है एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है रिस्पेक्टिवली, तो R1 यानी इसका जो है रॉ है प्लस का रॉ और इसका माइनस का रॉ। अब ध्यान से देखिए एट ऑल द पॉइंट इन ओवरलैपिंग, फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सेकेंड में कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड और यहां पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, और इसमें कह रहा है कि जीरो। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसको एक एक करके हम बीच में आपसे पार्शियली ओवरलैप्ड एरिया है और यहां पे हमको क्या निकालना है, यहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
एक हम पॉइंट लेते हैं ये ओवरलैप एरिया पे, और उसका हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक क्या है पॉजिटिव रॉ है, एक आपका नेगेटिव रॉ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये इस पी पॉइंट से हम मैच किए और इसका क्या हो गया, दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, और ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और पी जो है ओवरलैप एरिया में हम एक जनरल पॉइंट लिए, आपको क्या निकालना है, और यहां पे दिया हुआ है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और रेडियस आपको दे दिया हुआ है एक आर वन एक आर टू, और इसमें यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज प्लस रो वन एंड माइनस रो वन रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सच दैट दे आर पार्शियली ओवरलैप। तो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दैट एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट, ये आपका आर वन वेक्टर, ये आपका आर टू वेक्टर, सो आर वन प्लस आर टू दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर, आर वन प्लस आर टू दैट इज दिस वेक्टर। अब हम क्या करें, अब यहां से अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस प्लस पॉजिटिव रॉ, यानी कि इसका जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हाँ इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस पे जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए, ये इसका टोटल वॉल्यूम, सो क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इट्स 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब यानी आर वन क्यूब, तो ये आपका जो होता है ये आपका रॉ हुआ, और ये आपका माइनस हुआ, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सो दैट इज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 बाई थ्री पाई आर टू क्यूब, तो ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एक का पॉजिटिव दिया है दूसरा का नेगेटिव दिया हुआ है। सो डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। अब हम इसमें बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कि हम बहुत बार इसमें बताए हैं कि रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वन वेक्टर, इसके लिए आर वन हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा आर टू, सो रो वन, रो क्या है उसका डेंसिटी है, और यहां से अगर हम बात करें तो ये आर वन प्लस आर टू जो कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, ये भी हम बहुत बार बताएं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता है। तो ये देखिए आर वन वेक्टर, ये आपका आर टू वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर थ्री। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, रॉ क्या है, रॉ उसका क्या है, डेंसिटी है, जो कि आपको दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट और आर वन, और ये किसके वजह से आया, ये आपका आ गया ये पॉजिटिव वाले के वजह से। अब क्या है इसके वजह से हम लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉ, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सो इसमें क्या आ गया रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वन। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, आर टू के वजह से दो दिया हुआ है, दोनों का रॉ अलग अलग दिया हुआ है, एक का पॉजिटिव दिया हुआ है एक का नेगेटिव दिया हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। इसी टाइप से आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन भी हम देखेंगे, अब आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या है, इट इज गिवन दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो जैसा कि बहुत बार हम बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दैट इज कॉन्स्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज दिस वे, और यहां पे एक ओवरलैप एरिया है जहां पे दोनों का मतलब दोनों ओवरलैप करता है, और ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रॉ, प्लस क्या है ये आपका क्या है, प्लस का रॉ और एक माइनस का, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा तो प्लस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट्स वैल्यू दैट इज इक्वल टू रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर1। अब क्या है, हम इसके वजह से निकालेंगे, तो इसके वजह से निकालेंगे R1 का डायरेक्शन आपको क्या है, यहां से आपको ये शो कर रहा है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम रो टू का डायरेक्शन लें तो आपका क्या होगा, दो चीज, एक तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहां पे अगर हम लिखें तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, रो क्या है इसका खुद का, और इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी है, तो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ, ये भी पूछा है कि क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा कि डायरेक्शन सेम होगा, तो सिंपल सा बात है कि डायरेक्शन तो कभी सेम नहीं होगा, और जब भी हम बताते हैं पोजिशन वैक्टर का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वैक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको वैल्यू तो याद था लेकिन इसका डायरेक्शन इज मच 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज पोजिशन वेक्टर, आर वन क्या है यहां पे, पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक का प्लस दिया था दूसरे का माइनस दिया था, तो एक का जिसका प्लस दिया था उसके वजह से तो हम आर वन ले लिए, और आर वन का डायरेक्शन क्या हुआ, इसके सेंटर से जिस पॉइंट पे, यानी ओवरलैपिंग एरिया वाले पॉइंट पे, आपसे जो पूछा है कि आप एट ऑल द पॉइंट इन ओवरलैपिंग एरिया, अब इस एरिया के किसी भी पॉइंट पे तो एक जनरल पॉइंट हम ले लिए पी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो क्या हो गया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर वन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है। अब क्या करें, इसके वजह से निकालते हैं ये, क्योंकि दोनों आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग, यानी कंडक्टिंग नहीं है। अब क्या है, रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो एक तो माइनस रॉ हो जाएगा इसके वजह से, और यहां पे हम क्या करेंगे, हम अभी बोल रहे हैं कि पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट आर टू, दिस इज माइनस आर टू, तो इधर से अब ये डायरेक्शन अगर हम आर वन लिए हैं और ये डायरेक्शन अगर आर टू लिए हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, तो अभी हम बताएं कि इसमें जो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है और यहां पे पोजिशन वेक्टर दैट इज आर टू, लेकिन यहां पे आर टू नहीं होगा, ये माइनस आर टू होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जो है सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होना चाहिए, जो कि हम अभी बता रहे थे पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट ये ओ है और फाइनल पॉइंट यानी किस पॉइंट पे आपको ओवरलैपिंग एरिया पे आपको क्या निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द पॉइंट ऑन दिस ओवरलैपिंग एरिया, तो ये होना चाहिए, जबकि क्या है अकॉर्डिंग टू एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सम ऑफ टू साइड दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड, सो दिस इज आर वन एंड इफ दिस इज आर टू ये हम क्या ले लिए, इफ दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, सो दिस इज
कैपिटल आर। सो आर वन प्लस आर टू, अगर आर वन का डायरेक्शन ये है और आर टू का डायरेक्शन ये है, तो ये जो लास्ट वाला जो बचेगा यानी कि द सम ऑफ टू साइड दैट इज इक्वल टू देयर थर्ड साइड। सो दिस इज अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। सो सम ऑफ टू साइड दैट इज इक्वल टू थर्ड। सो दिस इज वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ, सम ऑफ, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं ट्रायंगल वेक्टर लॉ, जो भी सम ऑफ वेक्टर लॉ, यानी कि इस एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे के साइड के बराबर हो। सो दिस इज आर वन, दिस इज आर टू। सो इसका आपको क्या दिया हुआ था, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ये भी आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस रो, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये डायरेक्शन, अभी हम बताए थे कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो जब इधर से इनिशियल टू फाइनल रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस आर टू, क्योंकि आर टू का डायरेक्शन हम टेकन एज लेट बी द डायरेक्शन दिस इज आर वन, सो ऑफकोर्स दिस इज आर टू, सो आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू आर, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द टू सेंटर ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन आर टू है तो उसके अपोजिट में, यानी कि अगर एक इधर वेक्टर है वेक्टर ए और इसका भी मैग्नीट्यूड, और इधर भी वेक्टर ए है, तो इसका अगर हम अगर ए लें तो इसको लेना पड़ेगा माइनस ए, यानी ए से बी, यानी अगर ओ से ए जा रहे हैं और अगर ओ से इधर जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, वैसे भी ये वेक्टर का रूल है कि अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो रो यहां पे आया, तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अगेंस्ट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, माइनस आर टू। सो नेगेटिव ऑफ इट्स दैट इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू, सो दिस इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम दैट इज 4 बाय 3 पाई आर, आर टू का क्यू, सो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव साइन विथ रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो, एंड दिस इज रो इज बेसिकली दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा माइनस इनटू माइनस दैट इज प्लस, सो दिस इज आर टू। तो ये इसके वजह से पहले क्या आया था, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस कार्बन, और यहां पे क्या है, एक तो इसका नेगेटिव साइन और दूसरा इसका नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पोजिशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो conclude the point, what is the total, total electric field, total electric field, total electrostatic field at the point P, that is दोनों को आप क्या कर लेंगे, हम add कर लेंगे, यानी ये आपका electric field किसके वजह से आया, electric field due to plus, और ये जो आया आपका, एक तो इस negative side, negative, negative, positive, so this is your value, electric field due to, this is E field at the point P, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे। तो अब हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओवर ओवरलैपिंग एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, दिस इज लाइज इन ओवरलैपिंग एरिया, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर वन प्लस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट दैट इज आर टू। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
रॉ विथ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो अब दोनों को अगर हम बेसिकली ऐड कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। अब इसके वजह से क्योंकि दोनों में आ रहा है तो एक तो इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से, तो एक के वजह से आपका आ गया रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और लास्ट में क्या है पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वन, और इसके वजह से हालांकि ये तो आर टू था विथ नेगेटिव साइन, बट दिस नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, सो रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस इज आर टू, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन हो जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट दैट आर वन प्लस आर टू, सो आर वन प्लस आर टू दैट इज बेसिकली दैट इज आर विच इज सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सो द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी दैट इज एप्सिलॉन नॉट रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू आर। सो ये आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इज कॉन्स्टेंट, सो सी इज राइट ऑप्शन। और बी कह रहा था कि पोटेंशियल जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं आया, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। अब फोर्स जब कांस्टेंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस डीवी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डीआर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या होता है माइनस डीवी बाय डीआर दैट इज इक्वल टू ई, तो ये आपका हो जाता है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएट करते हैं पोटेंशियल को, तो यहां से अगर कांस्टेंट आ रहा है तो यह कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब क्या है, क्या कांस्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं, यहां पे आर पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये आपका कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सो इट इज कॉन्स्टेंट इन वनली मैग्नीट्यूड, कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इट इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सो सी इज राइट ऑप्शन। और डी कह रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, एग्जैक्टली डायरेक्शन सेम है, ये इनिशियल से फाइनल की तरफ है, ये इधर है, तो अगर हम यहां से निकालें तो विच हैज सेम डायरेक्शन, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, सो सी एंड डी इज राइट, इट इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सो ऑफ कोर्स इट इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड दैट इज रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, नहीं पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है, सो बी इज इनकरेक्ट, इसमें आपको क्या रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट दिस ओवरलैपिंग एरिया दैट इज रॉ बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन देयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सो दिस सो सी एंड डी यानी कि कोलकाता एंड दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन। ये प्रॉब्लम आपका जे एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है लेट E1, E2 एंड E3 आर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस क्यू एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा and an infinite plane with uniform charge density that is sigma
यानी कि आपसे क्या पूछा है, E1, E2, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, E1, E2 एंड E3 आर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस क्यू एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा एंड एन इनफाइनाइट प्लेन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। और आपको E1, E2, E3 तीनों का आपका कार्बन डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है क्यू दैट इज इक्वल टू दिस ए बी सी डी इज योर राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट वाला आर डिस्टेंस है, सो E1 सिंपली आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं आर नोट डिस्टेंस पे, तो यहां पे और वो चार्ज कितना है, चार्ज दैट इज प्लस क्यू। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सो E1 आर नोट पोजिशन तो यहां हो जाएगा 1/4πε0 क्यू प्लस क्यू बाय आर नोट स्क्वायर, तो ये आपका E1 का वैल्यू आया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इनफाइनाइटली, अब ये वर्ड क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या है, अब यहां से कितना डिस्टेंस पे, तो यहां से समझिए कि ये आपका डिस्टेंस आर नोट डिस्टेंस है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अब कुछ ऐसा होगा वायर, अब उसके एक साइड तो यहां पे दिया हुआ इनफाइनाइटली इन द सेंस ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E2 एट ए डिस्टेंस दैट इज आर नोट, अब ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि 1/4πε0 2λ ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस पे कुछ इस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अब यहां से डिस्टेंस आपका आर नोट है, तो 2λ बाय आर नोट डिस्टेंस पे ये आपका आ गया। अब क्या है लास्ट वाला, लास्ट वाला कह रहा है कि प्लेन इनफाइनाइट, ये भी आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। मैं आपसे कह रहा है कि ए इनफाइनाइटली प्लेन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और उसमें सिग्मा दिया हुआ, तो ऐसे सोचिए ये आपका प्लेन सीट है और ये आपका क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और यहां से डिस्टेंस, तो इसका हो गया 1/4πε0 प्लस क्यू बाय आर नोट स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया पॉइंट चार्ज के वजह से, और ये आपका क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा E2 दैट इज इक्वल टू एट आर नोट पोजिशन ये आपका आ जाएगा 1/4πε0 2λ बाय आर नोट। अब क्या है लास्ट वाले पॉइंट में कह रहा है कि एक प्लेन है इससे आर नोट डिस्टेंस पे है, तो इससे आर नोट डिस्टेंस पे है तो इस पे चार्ज हम कितना डिस्ट्रीब्यूट किए, तो प्लस का क्यू, तो यहां से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो ये आपका E3 है, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाय 2ε0, ये आपका E3 का वैल्यू आया, E3 दैट इज इक्वल टू आर नोट सिग्मा बाय 2ε0। तो ये आ गया और ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है क्यू का वैल्यू, क्यू तो यहां से आपका किसका किसका वैल्यू आपसे दिया हुआ है, तो सी और डी में कह रहा है E1 और E2 एक का आर डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस ये है अलग, क्या है आपका यहां से डिस्टेंस है आर नोट बाई टू, तो जब आर नोट बाई टू यहां पे लिखेंगे सो ई नोट आर नोट दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ और लैम्डा क्या होता है लैम्डा के टर्म में, तो ये आपका आ जाएगा आर नोट का, तो ये आर नोट बाई टू अगर हम लिखेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका क्या है टू टाइम्स ऑफ E2 इज इक्वल टू R1/2। सो और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपको दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज प्लस क्यू बाय इट्स लेंथ दैट इज L, दिस इज लैम्डा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा E1 का वैल्यू, तो ये आपका लेंथ,
तो लेंथ, टोटल लेंथ इसका कितना ले लेते हैं, तो टोटल लेंथ एल है, चार्ज क्यू है, तो ये आपका वहां से कितना डिस्टेंस पे, आर नोट, तो ये आपका लैम्डा का वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और आपसे इस यहाँ पे एक सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको एरिया से डिवाइड करते हैं, तो ये सिग्मा है। तो यहां से ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, तो सी इज योर राइट ऑप्शन, इसमें क्या है, R/2 पे है। और लास्ट में डी वाला पॉइंट में आपसे कह रहा है कि E2 R0/2 पोजीशन पे, और ये भी दोनों पोजीशन ये 4 टाइम्स हो जाएगा, सो डी इज इनकरेक्ट, ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहां से क्या करेंगे, सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है प्लेन, प्लेन यानी कि एरिया से डिवाइड कर लेते हैं, और ये आपका लेंथ से।